नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश कोविड उपचार की व्यवस्था को लेकर लगातार दिख रहे हैं फील्ड पर। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। सारा हॉस्पिटल के बाद जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश पहुंचे बलरामपुर हॉस्पिटल। कोविड उपचार की व्यवस्था का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। कोविड उपचार हेतु क्षमता बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। किसी तरह की लापरवाही बरतने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। राजधानी में नहीं थम रहा आग का सिलसिला। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की खास रिपोर्ट। बालागंज के मरीमाता मंदिर के पास लगी आग। खाली पड़े प्लॉट के कूड़े के ढेर व झाड़ियों में लगी आग। आग लगने से आसपास इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के मरीमाता चौराहे का मामला। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप नाम है मेरा। यहाँ पे आग कैसे लगी थी? यहाँ पे पता नहीं कैसे लगी, एकदम से बहुत तेज से आग उठने लगी। तो हम लोग बाल्टियों से पानी फेंके, फिर भी नहीं बुझी है। अभी भी जो समरसेबुल से चला है तो भी नहीं बुझ रही है। और ये 15 दिन पे हर हफ्ते में एक बार होना यहाँ पे। आप लोग पानी से बुझा रहे हैं? बुझ नहीं रही है, बहुत तेज जल रही थी। और कितना पानी हम लोगों ने बाल्टियों से फेंका, उससे कुछ हुए नहीं। तो ये दमकल वालों को आपने फोन किया था? अभी आज कोई गाड़ी नहीं आई। 20 मिनट समथिंग हो गए जी, अभी नहीं आए। क्या बोल रहे हैं? फोन किया था, उसके बाद आना होता तो अब तक क्या जाते। और आग बुझा बुझा के हम लोग परेशान हैं। ये प्लाट किसका है पता है? ये प्लाट के साहू हैं, वहाँ के सादतगंज के, उनका है। बाउंड्री थी, तोड़वा दिए थे, तब से इसमें मरे हुए कुत्ते और दुनिया की गंदगी इसी में आती है प्लाट में। अक्सर आग लगती है और दिन भर यहाँ कम से कम बदबू इतनी आती कि बैठना मुश्किल हो जाता है। आग ने फिर दिखाया अपना कहर। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की खास रिपोर्ट। थाना गोमती नगर के अंतर्गत लगी आग। पत्रकारपुरम के अल कबीर होटल में लगी भीषण आग। होटल में आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत। थाना गोमती नगर के पत्रकारपुरम के पास का मामला। पंचायत चुनाव में नाम वापसी को लेकर मर्यादाओं को रखा ताक पर। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखीमपुर सदर बीजेपी विधायक योगेश और ननकाहा ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता के बीच झड़प के साथ हुई हाथापाई। खीरी के खंड विकास अधिकार कार्यालय में आचार संहिता लागू होने के बावजूद निकले असलहों से मचा हड़कंप, वीडियो वायरल। रेल संपत्ति के साथ फसल को स्वाहा होने से बचाया। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। आग के शोलों के बीच मालगाड़ी पहुंचती, इससे पहले ही उसको रोक लिया गया। आग की लपटें रेलवे संपत्ति और पास के खेत को अपनी चपेट में लेती, इससे पहले ही रेल कर्मचारियों ने अपनी सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे रेल संपत्ति के साथ साथ बेचारे गरीब किसानों की गेहूं की फसल भी खाक होने से बच गई। मौके पर पहुंचे किसानों ने रेल कर्मचारियों के साहस की सराहना की है। उन्होंने रेल मंत्रालय से कर्मचारियों को सम्मानित करने की बात कही है। रेल कर्मचारियों की सूझबूझ के स्टाफ भी तारीफ कर रहा है। जानकारी के अनुसार सीमेंट फैक्ट्री से मालगाड़ी गौरीगंज स्टेशन आ रही थी, तभी ड्राइवर की नजर ट्रैक के बगल से गए बिजली के पोल पर लगी केबल पर पड़ी, जो जल रही थी। अचानक से उसमें से निकली बड़ी सी चिंगारी नीचे पथ पर गिरी, पर झपकते ही उसमें आग लग गई। उसने विकराल रूप धारण करना शुरू किया, जो हवा के कारण ट्रैक और गेहूं के खेत की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। खतरे को भाप ड्राइवर पंकज ने ट्रेन रोक दी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।